हेलो प्यारे बच्चों, तो आप पहुंच चुके हैं इकलव क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम अपने रुके हुए फिजिक्स के जर्नी को आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस जर्नी में अभी हमें किन किन से मिलना है, क्या क्या चीजें समझनी है और क्या क्या नए नए चीजें सीखने हैं। ओके, तो इससे पिछले जर्नी में हमने फिजिक्स एक्चुअल में अगर बोलो तो शुरू किया ही नहीं था, क्योंकि हमारा पहला ही लेक्चर था व्हाट मतलब मैथमेटिक्स, व्हाई मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। ठीक है, सो हमने देख लिया, हमने सीख लिया, नाउ वी नो द लैंग्वेज। सो अगर हम फिजिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उसे एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, सिंपल बात है ना। हाँ, तो हम इसे एक्सप्रेस कर भी पाएंगे। तो हमने पहले लैंग्वेज, अब मान लो कुछ भी पढ़ने से पहले क ख ग पढ़े थे ना, तो इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स सीख लिया ताकि उन बच्चों के लिए कल के एक्सक्यूज ना दे कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं है, सर मुझे तो ये आता नहीं है, सर मुझे वो तो आता नहीं है। ओके, तो ये आता नहीं जाता नहीं है एक्सक्यूज है, और फिर भी अगर कोई एक्सक्यूज मारेंगे तो कुछ नहीं, एक्सक्यूज मारने वाले एक्सक्यूज मारते रह जाएंगे और जो करने वाले हैं वो कर कर निकल जाएंगे। ओके, सो मेरी कोशिश यही थी कि आपको मैं बेसिक से दूं ताकि कोई बच्चे अगर टेंथ में थोड़ा मैथ से घबरा भी रहे थे तो उनको डर ना लगे। वो हम मेरी जो वीडियोस है उसको आप फॉलो करो और देखो, उसी के बेसिस पे आपके सारे फिजिक्स ऐसे उड़ जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे नहीं कि मैं बोलो 100%, बट मैक्सिमम उड़ जाएंगे। ठीक है ना, बाकी जो होगी उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, बाकी जो कुछ टॉपिक्स बच गए थे उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वो मैं ऑन द टॉपिक जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं करा दूंगा, ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो मेरे को निकालना वो सही नहीं लगा, इसलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं आज। और आज से अगर बोलूँ ना तो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी हमारी, आज से हमारी फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, सो इस जर्नी में सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज फिजिक्स। तो जब भी फिजिक्स का नाम ये माइंड में आता है तो क्या क्या माइंड में आता है? अच्छा, न्यूटन का नाम आ गया। ओके, और बताओ, आइंस्टीन भी आ गए। अच्छा, लॉ ऑफ मोशन, ओके, ग्रेविटी, ओके, तुम लोग तो बहुत समझदार है, और जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वो और बताओ। ओके, तो ये सारे टर्म आ गए। ठीक है, चलो अभी इन सारे टर्म को थोड़ा साइड रखते हैं। ठीक है, ये तो हमने बुक्स में पढ़ रखा है ना बहुत सारी चीज, और थोड़ा समझते हैं बहुत सिंपल वे, मतलब एकदम लेम है। एक होता है ना, मतलब जो एकदम किसी को भी समझाना, उसे आप कैसे समझाओगे फिजिक्स क्या है एक्चुअल में, उसे आप कैसे समझाओगे कि व्हाट इज फिजिक्स। तो चलो हम क्या करते हैं, अपने आसपास अगर मैं एक्चुअल एक वर्ड में बोलूँ ना तो आपके सराउंडिंग में, यानी कि आपके चारों तरफ, आपके इधर उधर हर जगह फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपके मतलब सोने से उठने तक आप जहाँ देखोगे फिजिक्स थी, बट आपको दिखता नहीं है। जैसे देखो, मतलब बोलूँ जैसे, कैसे सर बोल रहे हो सर कैसे दिखता है, आप उठते हो देखते हो सुबह हो गई, फिर बारिश हो रही है, हवा चल रही है, धूप, फिर सनराइज सनसेट, बादल का चलना, बादल का ब्लू होना, चांद का दिखना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या फिजिक्स है, ये सारी चीज़ें, रिवर का मतलब झरना पानी गिरना, बॉल का गिरना, पेन का गिरना, बॉल का जलना, मतलब इवन टीवी का चलना, ओके, ये सारी चीजें फिजिक्स है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो यानी कि नेचर में जो फिनोमेना होते हैं, ठीक है ना, नेचर में जो फिनोमेना होते हैं उसके, उस फिनोमेना को स्टडी करना, अगर बोला जाए कि नेचर को स्टडी करना, ठीक है ना, ही क्या है फिजिक्स है। अगर बोला जाए फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या है, तो फिजिक्स बोले तो मतलब नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के बारे में आपको नॉलेज होना कि चीजें कैसे काम कर रही है। वी विल ट्राई, हाँ मैं समझूंगा कि सनराइज हो रहा है, सनराइज होने टाइम में देखते हैं बहुत रेडियस होता है, फिर आप 12 बजे के अबाउट सन बहुत ब्राइट हो जाता है, फिर सनसेट के वक्त में फिर रेड होता है, उधर इससे ही क्यों उठता है, ये सारी चीजें, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। आप चलते हो तो आप ऐसे ऐसे हाथ करते तो आपकी ये हीट ऐसे ऐसे करने पे ये गर्म क्यों हो जाती है, और वो भी बहुत सारे, मतलब हर तरफ से फिजिक्स से घिरे हो। अगर मैं बोलूँ, सच में बोलूँ तो फिजिक्स मतलब अब जितने भी आपके साइंस है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे इस पे बेस है, क्योंकि आप सराउंडिंग, आप जो भी चीज़ें करते हो नेचर के साथ करते हो, आप किसके साथ करते हो, नेचर के साथ करते हो। सो फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम चारों तरफ से फिजिक्स से ही घिरे हुए। आपके साइकिल का चलना, आपके स्कूटर का चलना, आप क्यों दो चक्के पे चल पाते हो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि फिजिक्स बोले तो फन, मजे ही मजे आएंगे। ओके, आप कैसे
कार को चलाते हो, कैसे ड्रिफ्ट मारते हो, कैसे आप आपकी फैन चलती है, ठीक है ना, कैसे आप बाइक को जब चलते रहते हो तो बैलेंस होती है, जब रुक जाते हो तो अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है ना, कैसे आपका वो जो तूफान आने पे आपका जो मेटल का चदरा होता वो उड़ जाना, ठीक है ना, बॉल का स्विंग होना, ओके, फ्रिक्शन करना, क्यों पुल पुश में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, कैसे कैसे हम पुली लगा के चीजों का आसान कर सकते हैं, कैसे अगर बहुत मॉडर्न फिजिक्स में जाऊं तो फिर यहाँ पे फिर सेमी कंडक्टर की बात, ये सारी बात, ये सारी चीजें फिजिक्स में होगी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब सोच रहे कितनी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, यानी कि आप अगर सिंपल वे में बोलो तो मतलब सब कुछ, ओके ना, सब कुछ यहाँ पर देखना नेचर के बारे में, हर चीज स्टडी करेंगे हम, और तब ये इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो फाइनली अगर बोलोगे तो बहुत और सिंपल वर्ड में मैं इंग्लिश में अगर बोलूँ तो फिजिक्स क्या है कि जो नेचर में मैटर है उसका एनर्जी है उस पर स्टडी करना, ठीक है ना, कि हीट आती है तो हीट से प्रेशर कैसे बनता है, इंजन कैसे काम करता है, हीट इंजन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। नाउ आई होप मतलब आपको ये फील थोड़ा हो गया होगा ना कि मतलब फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, ओके ना, फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, ओके, आपका एसी का वर्किंग एवरीथिंग, ओके, चलो। तो यानी कि हमें तो पता चल गया फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स सिंपल में क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है, उसके मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ओके, चलो। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था, अब इस क्वेश्चन मार्क का क्या हो गया, ये ग्लो हो गया, यानी कि हमारी बत्ती तो जल गई दिमाग की फिजिक्स की, ओके, चलिए। अब फिजिक्स शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है, आज का चैप्टर तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वेक्टर चालू कर दूं, बट देखते हैं अगर ये बातें खत्म होगी पहले तक। चलो अब जब फिजिक्स शुरू करते हो या साइंस में ही बात की जाए, तो साइंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होते, मतलब जानते तो है बट उनमें ना बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि हाँ ये है, ये वो है, ये है, ये वो है, तो इसलिए अगर फिजिक्स पढ़ना है या अगर साइंस के आप स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ पक्का होना चाहिए कि ये जो चीजें जो अभी मैं कुछ टर्म्स बोलूंगा आपके उसके बीच का डिफरेंस। तो पहला क्या आपका फैक्ट, क्या है फैक्ट, व्हाट इज अ फैक्ट, अगर फैक्ट की बात की जाए तो फैक्ट क्या है बताइए, सोचिए, अच्छा ये फैक्ट है, नहीं फैक्ट है क्या एक्चुअल में, तो सुनो फैक्ट अगर बहुत ही सिंपल वर्ड है फैक्ट को बोला जाए तो फैक्ट इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, क्या है एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आप ऑब्जर्व करते हो अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास में, ठीक है ना, और वो चीजें जो बदले ना, जो क्या है बदले, मतलब फैक्ट्स को गलत साबित करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल बोल सकते हो आप, ठीक है ना, मतलब फैक्ट्स होने चाहिए जो हो रहा है, जैसे कि सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट, तो ईस्ट से होगा, ये नहीं कहो कि आप देखोगे वेस्ट से हो रहा है, ठीक ना, तो ये सारी चीजें, अगर इस पेन को छोड़ूंगा तो नीचे गिरा, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है ना, ये भी एक फैक्ट है, ओके, सूरज से क्या निकलती है गर्मी निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है, कल हो के उससे मतलब ठंडी और कूल एसी तो चलने नहीं लगेगी, फिर दिन होती है तो उजाला आता है, ये भी एक फैक्ट है। तो यानी कि अगर फैक्ट आप कोई चीज चेक करो, यानी कि जो नेचर में हो रहा है सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन, आपने देखा और आपने बताया, आपने देखा और बताया, और वो चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हाँ देख रहे, अब ये नहीं कि आप बोल दोगे कि हाँ सुबह हो रही है, फिर आपको अगर सर बॉल जला कर भी तो सर लाइट हो गई, वो बल्ब जला रहे हो, वो सूरज से सुबह हो रही है, पूरा दुनिया एक ब्राइटनेस के अंदर आता है, ठीक है, तो फैक्ट्स इन चीजों को जो सिंपल सा आपका जो ऑब्जर्वेशन है आप उन्हें क्या मानते हो, नेचर में आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, कि जैसे वाटरफॉल का नीचे गिरना, कभी पानी को ऊपर जाते हो तो नहीं देखो ना, तो ये सारी चीजें क्या है फैक्ट्स है जो कि है, उस पर आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों है, कैसे है, क्यों हो रहा है, ये पेन क्यों गिर रहा है, वो बल्ब क्यों जल रहा है, वो सूरज क्यों उग रहा है, वो सूरज क्यों ढल रहा है, इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल सा देखना है और बताना है, ठीक है, तो ये आपका क्या है फैक्ट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फैक्ट्स। चलो तो यानी कि हमारा फैक्ट्स कंप्लीट हो गया, हमने फैक्ट समझ लिया, सिंपल ऑब्जर्वेशन, ओके। नाउ हाइपोथेसिस, ओके, कुछ ने तो सोच भी लिया, हाँ कभी कभी आर्गुमेंट होते कहते तुमने क्या अपने मन से कुछ हाइपोथेसिस बना दिया है, ठीक है ना, हाइपोथेसिस मतलब कुछ भी मन से बना, या ये भी हो सकता है आप कुछ भी सोचो, फॉर एग्जाम्पल मतलब आपके साथ कोई इवेंट हो रहा, हो सकता है अगर दिन हो रहा है तो आप ये भी सोचते हैं चल सूरज के कारण नहीं आकाशी चमकने लगता हो, ठीक है ना, ड्यू टू सन ब्राइटनेस नहीं होती है, आकाशी मतलब जो बादल होते हैं उनमें लाइट हो वो चमकते हैं, सूरज तो बस एक बल्ब है, ठीक है, आपका ये भी एक हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये पेन है, अगर मान लो ये पेन है, अगर ये गिर रहा है
अगर ये गिर रहा है तो आप बहुत सारे रीजन दे सकते हो, बहुत सारी आपके हाइपोथेसिस हो सकते हैं। जैसे क्या क्या बताओ आप, हो सकता है हाँ कि हो सकता है सर ये पेन है, ये पेन अपने वेट से या भारी है मतलब उड़ नहीं पा रहा है, इसके पास पंख नहीं है, चिड़िया नहीं, इसलिए गिर गया। ठीक है, या बोल सकते हो सर नीचे इसके मैग्नेट कोई लगा होगा, ये लोहे का पेन है ये खींच रहा है। ठीक है, और क्या क्या दे सकते हो, हाँ सर ये पेन है और ये जमीन है, ये जमीन है, ये पेन है ये जमीन है, सर पेन को जमीन से प्यार हो गया और प्यार में लोग गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी हाइपोथेसिस हो सकते हैं, बट ऐसे हाइपोथेसिस नहीं करना। अगर आप कर रहे हो तो फिर समझ जाओ आप प्यार में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना, फॉल इन लव, तो ये फॉल इन लव नहीं है। ओके ना, या आप ये भी बोल सकते हो कि सर कुछ भी इसके बीच में थ्रेड होगा इनविजिबल जो इसको खींच रहा है, ये भी बोल सकते हो ना, या ये भी बोल सकते हो कि ड्यू टू ग्रेविटी गिर रहा है और थोड़ा अकल हो। तो मतलब आप हाइपोथेसिस आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी जो भी मन ग्रंथ हो, ठीक है ना, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी आपको एक हाइपोथेसिस बनाना है बनावटी टाइप के, हाँ ये चीजें क्यों हो रही है, ये चीजें क्यों हो रही है, तो आप कोई भी एक रीजन अपनी तरफ से देकर आप उन चीजों को देख सकते हो। ठीक है ना, अभी जैसे पेन गिरने का मैंने बहुत देखा, हो सकता है चुंबक के कारण, मैग्नेट के कारण, प्यार में, प्यार में तो ऐसे नहीं होगा, या ऐसे भी हो सकता हाँ सर इसका मन किया तो गिर गया, ठीक है ना सर, अच्छा मन नहीं कर रहा ऊपर जाए, ऐसे वैसे हाइपोथेसिस एक होने चाहिए जो आपके ऑब्जर्वेशन को डिफाइन। ठीक है, आप भले बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाओ लेकिन वो हाइपोथेसिस आपका काम आएगा जो इस चीज, जो ये पेन है इनका गिरना एक फिनोमेना है, एक नेचर है, इसको एक्सप्लेन करता है आगे जाके, क्या करता है एक्सप्लेन करता है। तो यानी कि अगर हम क्या करें, बहुत सारे हाइपोथेसिस को इकट्ठा करें, बहुत सारे हाइपोथेसिस को क्या करें इकट्ठा करें, हमने पेन को दिखा कर डाला, फिर एप्पल गिरा कर देखा, फिर अलग 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 चीजें गिरा कर देखे, हम देख रहे हैं बार बार ये नीचे आ रहा है, अच्छा जमीन क्यों नहीं ऊपर आ जा रहा है, ठीक है ना, हमने बड़ा पत्थर गिराया, छोटा पत्थर गिराया, और इस तरह से न्यूटन बाबा जैसे और भी साइंटिस्ट ये भी क्या करते हैं अलग अलग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ओके ना, ये भी अलग अलग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उसके बेस पे आपको क्या देते हैं थ्योरी, क्या देते हैं थ्योरी। तो यानी कि अगर हम थ्योरी बनाते हैं तो थ्योरी क्या होता है, बंडल ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो आई डोंट नो कि वो सही है या गलत है, हम भी नहीं जानते, कोई भी लॉ कोई भी थ्योरी जो भी नहीं कि सही ही वो 100%, बट जिसने उसको प्रूव किया, जिसने उसको एक्सप्लेन किया, जिसने बताया हाउ कैसे क्यों किस तरह होगा, वो अगर उस हाइपोथेसिस से वो प्रूव कर देता वो बंदा, और उस प्रूफ पर उनकी आगे की चीजें भी प्रिडिक्ट होती है। ठीक है, अगर मैंने बोला ये पेन ड्यू टू ग्रेविटी गिर रहा है क्योंकि इसमें मास है वेट, तो मैंने एक लॉ बना दिया कि किसी बॉडी में मास होगा तो वो उस बॉडी को खींचेगा। ठीक है, अब एक लॉ बना दिया, जो भी आप जैसे ग्रेविटेशनल थ्योरी पढ़े होंगे या ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े होंगे आपने पिछले क्लास में, ठीक है, तो ये आपने बना दिया, आप उस पर वो चीजें फॉलो भी करनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एक हाइपोथेसिस बना दिया फिर कल होकर आप पेन गिरा रहे हो तो पेन ऊपर जा रहा है, मतलब फॉल इन लव नहीं फॉल इन स्काई हो गया। ओके ना, तो ये चीजें, तो हाइपोथेसिस आप बनाते हो, जब आप उस हाइपोथेसिस का एक अच्छे अच्छे रिफाइंड कर करते 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 आप एक थ्योरी के पास पहुंच जाते हैं, एक प्रोसीजर है थ्योरी से पहुंचने का, कि आपने हाइपोथेसिस बनाया, उसको टेस्ट किया, ये किया ये किया, फिर आपने टेस्ट किया, ऐसे सारे बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाया और आपने इकट्ठा किया सबको एक जगह मिलाया और क्या बना दिया थ्योरी, और बता दिया ऐसे 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 काम हो रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं, तो देखो अब करते करते हमने क्या कंप्लीट कर लिया थ्योरी, हमने क्या कंप्लीट कर लिया अपना थ्योरी भी। ठीक है, चलो तो हाइपोथेसिस भी हो गया, लॉ क्या होता है, तो लॉ बच्चा एक तरह से सिंपल से बोलोगे तो देखो लॉ और थ्योरी में डिफरेंस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉ एक्चुअली अगर आप कोई चीजें करते हो, जैसे ये पेन गिर रहा है, ठीक है, जैसे आप पढ़े होगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ कि अगर हम किसी बॉडी पे क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ये एक लॉ है। ये लॉ किससे निकाले गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं अलग अलग, ये इसमें आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जाता है एफ इक्वल्स टू एम ए करके दिया था ना, एफ इक्वल्स सॉरी सेकंड लॉ का, ये नहीं सॉरी सेकंड लॉ का, कि मतलब अगर नेट फोर्स जीरो, सेकंड लॉ में जैसे है कि एक्सेलरेशन लगाएंगे तो वो होगी फोर्स, तो ऐसे बहुत सारे जैसे ग्रेविटेशन में जी इक्वल्स टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इस तरह से दिया, तो लॉ में आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाता है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप उन चीजों को कर सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उस लॉ के बेसिस पे। ठीक है ना, कि मैंने लॉ बता दिया ड्यू टू ग्रेविटी ये गिर रहा है ग्रेविटेशनल लॉ के कारण, ठीक है, फिर हम इस चप्पल को भी गिराएंगे तो होगा, एक एप्पल को भी गिराएंगे तो होगा, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें है जो आप लॉ में देखते हो, तो लॉ आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, बट थ्योरी क्या होता है ना, उस चीजों के बारे में बहुत डीप स्टडी होती है, कि मतलब देखो लॉ ये नहीं बताता वो कैसे काम कर रहा, आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बता दिया गया कि अगर बॉडी पे फोर्स ना लगाए तो बॉडी यूनिफॉर्म में रहेगी तो यूनिफॉर्म में रहेगी, रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में रहेगी,
बट ये नहीं बताया गया क्यों, किस लिए, क्या कारण है, क्या करता है वो फोर्स, क्या होता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते हैं तो उस समय क्या ऐसा होता है कि वो बॉडी को इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो ये हाउ हु मतलब कैसे वाई, ये सारी क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलती है, थ्योरी में। कहाँ मिलती है, थ्योरी में। तो थ्योरी में आप क्या वाई हाउ कैसे काम कर रहा है ये सब सारी चीजें आप फाइंड आउट करते हैं। और लॉ सिंपल सा प्यारा सा एक होता है, एक्समेंट टाइप एक इवेंट होता है जो हम करते रहते हैं, जो रिटर्न हाँ हमें बता दिया गया, बॉक्स को चलाना है, फोर्स लगाना है, इनफॉर्मल चलेगा, बला बला बला, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ में बताया गया कि दो मास है m1 m2, अगर दोनों के बीच में r डिस्टेंस है एक फोर्स लगेगा f इक्वल्स टू g कैपिटल g, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है m1 into m2, और क्या हो जाएगा r स्क्वायर दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये सिंपल लॉ, तो लॉ एक मैथमेटिकल है, और थ्योरी डीप स्टडी होती है। क्या होती है, डीप स्टडी, या बोल सकते हो आप यहाँ पे वो किससे बनती है, तो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस से कर हमारी थ्योरी तैयार होती है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होप, ठीक है ना, आपको सारी चीजें समझ में आई हो, ठीक है। चलिए, तो फिजिक्स हमने पढ़ लिया, फिजिक्स समझ लिया, तो हमने फैक्ट समझ लिए, तो फैक्ट से आपको सनमार्क डिग्लो कर देते हैं हम, क्योंकि हमें फैक्ट्स पता चल गया। तो फैक्ट्स क्या, सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस अपने मन से मनगढ़ंत कहानी भी बोल सकते हो जैसे, लॉ क्या है एक भाई किसी भी थ्योरी का मैथमेटिकल एक तरह से, और थ्योरी क्या है कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे का फैक्ट। और देखो ये सारी जो चीजें है ना, ऐसा नहीं बोलोगे कि आपकी सर ये जो चीज है वो सही है सर हमेशा, नहीं। देखो जब उन्होंने माना, आई डोंट नो कि मतलब बहुत सारे, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाँ, क्योंकि मेरे को ना वो याद है वहाँ पे ज्यादा, कि आपने एटम के बहुत अलग अलग थ्योरी देखे होंगे, उनका क्या है जंक्शन वाटरमेलन स्ट्रक्चर, फिर बोर्ड्स, ये बहुत सारे, और देखे सब एक दूसरे को गलत साबित कर रहा है, वो कर रहा नहीं, ये गलत है, ये मेरा मॉडल है, ये मेरा मॉडल है, ये मेरा मॉडल, और इस तरह से आपने एटम के कितने मॉडल पढ़ लिए, ठीक है ना, किन्होंने किस, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि सारा न्यूक्लियस एक में ही रहता है, कुछ बोला नहीं सराउंडिंग करता है, फिर कुछ करता है, मतलब सबके अलग अलग हाइपोथेसिस थे, और उन हाइपोथेसिस पे उन्होंने क्या किया था, अपने अपने लॉ बना दिए थे, ठीक है। अब अच्छा कौन होता है, क्वेश्चन आया था अच्छे कौन होते, तो सिंपल सी बात है भाई, अच्छा तो हमारे लिए वही होगा ना जो सारे चीजों को क्या करे, डील करे, वो सारी चीजों को क्या करे, डील करे। बट समटाइम फिजिक्स में ऐसे भी हो जाते हैं कि कुछ ऐसे भी लॉ आपको आगे मिलेगा, जैसे देखो अगर ग्रेविटी का है तो ग्रेविटी का तो लॉ आ गया कि हम मास से ये कर दे, लेकिन अगर आपकी इसकी समझना है क्यों बॉडी अट्रैक्ट करता है, तो जैसे आपको यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, या थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी अगर आप उसको पढ़ोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ लो कि ये कहती है कि आप उनको फॉलो करो जो आपको वो चीजें बता, लेकिन देखो कभी कभी ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट भी हो जाता है कि दो साइंटिस्ट ने लॉ दिया, उनके हाइपोथेसिस कुछ और, इनके हाइपोथेसिस कुछ और, उनके हाइपोथेसिस से कुछ चीज और प्रूफ हो रही है, ठीक है ना, और इनके हाइपोथेसिस से कुछ और प्रूफ हो रही है, मतलब उसी फेनोमेना का कुछ पार्ट जो नेचर है वो इनके थ्योरी से प्रूफ हो रहा है, कुछ नेचर है जो इनके थ्योरी से प्रूफ हो रहा है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम समझदारी थोड़ी दिखाते हैं, कुछ उनसे समझ लेते हैं और कुछ इनसे समझ लेते हैं, क्योंकि देखो हम अभी भी नहीं जानते एक्चुअल में नेचर में हो क्या रहा, हम बस एक सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि देखो, पहला क्या है देखो, ऑब्जर्व करो, फिर कुछ उसका एक बनाओ क्या क्या हो रहा है, एक लिस्ट बना है हाइपोथेसिस, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, बार बार देखो, अलग टाइम पर देखो, मतलब एक जो सिनेरियो एक फ्रेम पर या जिस चीज पर सेट करके देखो, फिर एक उसका पेपर बनाओ, थ्योरी बनाओ, एक लॉ बना दे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये प्रोसेस है, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस हमारा बनाया गया, वो कोई ये मतलब हार्ड रूल नहीं कि आपको ऐसे ही करना है ये चीजें, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बोलो क्लियर है ना। चलो तो अब हम क्या शुरू करते हैं, अब हम आज शुरू करेंगे हम अपना पहला चैप्टर, एक्चुअली देखो यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करना चाहिए बट ना बहुत मैथ मैथ होगा तो वो भी है, तो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शुरू करते हैं, वेक्टर। क्या शुरू करते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है हमारे फिजिक्स का, और ये बेसिक भी है और बोलोगे बहुत फंडामेंटल भी है, और मैं बोलूंगा तो इस वेक्टर का आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगा, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ वेक्टर को अच्छे से पढ़ना, इनके मैग्नीट्यूड को अच्छे से पढ़ना, समझना वेक्टर के कंसेप्ट को, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जा सकता है, डायरेक्शन को लेके क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना, ओके। तो चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वेक्टर। सो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक सवाल आता है फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, अगर एक सवाल आता है फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं ये चीज कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता, तो सिंपल सी बात यही है, ज्यादा मैं
खींचूंगा नहीं इसमें, ऑल दोज क्वांटिटी विच आर यूज इन द डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी कि सारी वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने में क्या करे, मदद करे, हमारा हेल्प करे, उन सारी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटीज, ओके। चलो ना, फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ गए, यानी कि वो सारी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने में, यानी कि एक्सप्लेन करने में मदद करे, उन क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, दैट्स इट। ना बात आ जाती है कि कितने टाइप के क्वांटिटीज होते हैं, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। तो बच्चा देखो, वैसे तो देखो वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टीचर कुछ इस टाइप के, तो मैंने यहाँ पर दो पार्ट में इसे बांटा है। तो पहले क्या है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ये जो क्वांटिटी है ये डायरेक्शन बेस्ड है, किससे बेस्ड है, डायरेक्शन, और ये डिपेंडेंसी बेस्ड है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन बेस्ड है और ये डिपेंडेंसी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। देखो मेनली दो पार्ट ही है, स्केलर वेक्टर, देखोगे टेंसर मैंने लिख दिया थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्या आपको थोड़ा एक हल्का सा टच दूंगा मैं उसका, और डिपेंडेंसी वो देखेंगे कि डिपेंड कैसे करता है उससे, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल को आप बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी, बताओ, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है क्या, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो यानी कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, बोलो बच्चा, स्केलर, क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब जब इसी स्केलर क्वांटिटी में क्या लग जाएगा, तो इसमें क्या होना चाहिए, पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इस मैग्नीट्यूड में जब क्या जुड़ेगा, डायरेक्शन, इस मैग्नीट्यूड में क्या जुड़ेगा, डायरेक्शन, तो ये ही स्केलर क्या कहलाया जाएगा, वेक्टर, क्या कहलाया जाएगा, वेक्टर। थोड़ा डेफिनेशन को और इनहेंस करते हैं और हम डेफिनेशन वेक्टर का ये देंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो द ऑल वैक्टर लॉ, ऑल वैक्टर लॉ। What is the meaning that all vector law, जो कि हम आगे देखेंगे, यानी कि vectors के कुछ law है, यानी कि vector addition, vector multiplication, dot product, cross product, ये सारे law भी follow करने चाहिए वो quantity, जो physical quantity है वो, उनके पास magnitude तो होने चाहिए, ये 10th class में पढ़ा था, magnitude और direction, okay, but वो सारे quantity क्या होने चाहिए, law को भी follow करने चाहिए, अगर नहीं करते तो फिर वो physical quantity नहीं, वो vector quantities नहीं होंगे, ठीक है। तो now, थोड़ा मैंने definition को enhance किया, क्योंकि आप 11th में आ गए, टेंसर क्वांटिटीज, तो सिंपल में टेंसर को मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा, सिंपल सी वैसी क्वांटिटी जो ना स्केलर हो ना वेक्टर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटीज, क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटीज। तो जैसे यहाँ पर स्केलर का, वेक्टर का आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारी बहुत सारी चीजें, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाती है, बोलो, वेक्टर में, ओके। चलो, तो आई होप आप वेक्टर समझ गए, स्केलर समझ गए, ये सारी चीजें, तो आप फिर वही धीरे धीरे बात करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि वेक्टर को। तो टुडे आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम वेक्टर के लगभग सारे पार्ट्स को बेसिक फटाफट समझते जाते हैं, ओके। चलो, तो पहला वेक्टर आपका आता है बोर्ड पर, आप देखोगे मैं सबको यहाँ लिखूंगा, आई नो छोटा है, बहुत छोटा है, मैंने बस वो लिस्ट बनाने के चक्कर में ना थोड़ा छोटा हो गया वो, ठीक है। चलो, तो पहला अपना है क्या, जीरो वेक्टर, क्या अपना, जीरो वेक्टर, तो जीरो है लेकिन हीरो नहीं है, ठीक है ना, जीरो है पर हीरो नहीं है। तो पहले बात देखो, जब भी वेक्टर की बात आती है, पहले चलो कुछ बात कर लेते हैं, पहले वेक्टर पे कुछ चर्चा करते हैं, इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो थोड़ा समझते हैं। तो जब फिजिक्स में वेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर, तो चलो 10th में पढ़ लिया था मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक अल्फाबेट लिया जाता है ए, ठीक है ना, अब एक ए लिखते हो और उसके ऊपर क्या देते हो, एरो, क्या देते हो, एरो, ये सिम्बॉलिक हो गया। अगर आप इसको पिक्टोरियल वे में करोगे, पिक्टोरियल वे में यानी पिक्चर के वे में, तो आप एरो दे सकते हो, ठीक है ना, और ये इसकी क्या कहलाती है, टेल, और ये इसकी क्या कहलाती है, वेक्टर की हेड, ठीक है, इसकी क्या कहलाती है, हेड। अगर मैं इस पॉइंट का नाम दूं ए और इस पॉइंट का नाम दूं बी, तो देखो अगर ये टेल ए है और हेड क्या है, बी है, तो अगर इसको राइट डाउन करोगे सिंबल वे, मतलब इस वे में, कैरेक्टराइज्ड वे में अगर लिखोगे कैरेक्टर में, ये कैसे लिखा है, ए बी वेक्टर, और देखो टेल आना चाहिए ए पे और ये हेड कहाँ जाना चाहिए, बी पे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखो कुछ बेसिक बातें जो अभी
क्योंकि इन सारे टाइप में मैं बनाऊंगा ऐसी चीजें। तो इसलिए वेक्टर को थोड़ा समझ लेते हैं, रिप्रेजेंट कैसे, हाउ यू रिप्रेजेंट द वेक्टर। ओके, तो वेक्टर को हम पिक्टोरियल वे में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ए। ओके चलो, नाउ तो टेल समझ लिए, हेड समझ लिए और ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब कुछ बातें और देखो, ऑन द पिक्चर, अगर पिक्चर के वे देखा जाए तो ये वेक्टर क्या बताता, अगर मान लो ये एरो है और ये एरो, तो इस दोनों में क्या अंतर है, तो इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। तो सर इससे हम ये पता कर सकते हैं कि पहली बात, अगर मान लो इसके एरो मैंने इधर कर दिया, ओके, तो सर इससे ये पता कर सकते हैं कुछ बातें कि पिक्चर देखकर, और पिक्चर देखकर आप क्या क्या पता सकते हैं कि अगर ये एरो लंबी है, अगर ये एरो लंबी है, यानी कि इसका, इस एरो का मान लो इसका नाम मैंने दे दिया सी डी, तो इसको पिक्टोरियल में क्या लिखेंगे, बोलो डी। अगर मैं लिखता हूँ सी डी तो एरो कैसे जाएगा बताओ, इसको लिखना ही ऐसे डी सी, ठीक है डी सी। तो अगर मैं बोलूँ ये जो डी सी वेक्टर है वो ए बी से क्या है, बड़ा है, देख के बढ़ता, देखो बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, अगर थोड़ा मैं इस टेल को और ले जाता हूँ यहाँ तक, फिर भी कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। यानी कि इन पिक्टोरियल वे में अगर वेक्टर का एरो का लेंथ बड़ा होगा तो हम बोल सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ी है, क्या है, बड़ी है। समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे बेसिक फिजिक्स भी, ठीक है ना, तो अगर लेंथ बड़ा होगा तो ये वेक्टर बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात है, क्या पता चल रही, इसकी एरो इधर है, इसकी एरो किधर है, राइट वार्ड, और इसकी किधर है, लेफ्ट वार्ड। तो हम बोल सकते हैं वेक्टर का डायरेक्शन, यानी कि एरो क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है ना। तो ये चीजें है छोटी छोटी, ये क्या आपकी छोटी छोटी चीजें जो आपको पिक्टोरियल वे में आपको दी रहेगी, ठीक है। तो इससे आप वेक्टर से समझ पाओगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप इसको सिंपल सा एक वेक्टर ए भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नाम नहीं देना है, इसको वेक्टर बी भी नाम दे सकते हो, अगर ये आप नहीं दे सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी कि वेक्टर का एरो का लेंथ अगर लंबा होगा तो मैग्नीट्यूड पे वो डिफेक्ट करता है, डायरेक्शन है उल्टा है तो उल्टा होगा, ठीक है। चलो ये बेसिक बातें मैंने वेक्टर के साथ जान ली, अब हम समझ पाएंगे फटाफट। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, तो जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका क्या होना, इनिशियल जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट है वही क्या होना चाहिए उसके एंडिंग पॉइंट। यानी कि क्या, अगर देखो पहले एक वेक्टर था जो कि हम ऐसे करते थे, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका यहाँ पर लेंथ हो गया, ठीक है, यहाँ से निकला तो है ना, ये निकला है, बट जीरो वेक्टर ये हो जाएगा डॉट एक तरह से, यानी कि जीरो वेक्टर हो गए। अगर मैं बोलूं वेक्टर देखो ए बी लिखता था ना, ए बी, तो वो उसको क्या लिखूंगा, ए ए ही लिखूंगा, जीरो वेक्टर क्या लिखूंगा, ए ए। तो जब ए ए लिखूंगा उसी पॉइंट पर है, उसी क्या है पॉइंट पे, पॉइंट का भी डेफिनेशन क्या है, तो जहां शुरू हो गए पे खत्म हो गया वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए पर ही है और उस पर ही, तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसे छोटा करके ए का ए पे जी कर देता हूँ, यहीं पे ए है और फिर यहीं पे भी ए है, ठीक है ना, ये वेक्टर। तो ये बताओ इस वेक्टर का डायरेक्शन पता चल रहा है, नहीं सर, तो इसलिए जीरो वेक्टर का डायरेक्शन आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड क्या होगी सर, जो जीरो है वही मैग्नीट्यूड होगी इसकी, सर मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो जीरो ही होगी। तो ये बातें जाननी आपको, ठीक है ना। चलो तो जीरो वेक्टर आगे समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा वेक्टर अपना, वो क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या था, तो नाम है यूनिट मतलब एक, ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, कितनी हो, एक हो, ओके। चलो तो यूनिट का मतलब एक, यानी कि मैग्नीट्यूड इसकी कितनी होनी चाहिए, वन, कितनी होनी चाहिए, वन। कुछ स्पेशल बातें यूनिट वेक्टर के साथ, कुछ स्पेशल बातें यूनिट वेक्टर का, देखो वन को अगर किसी में मल्टीप्लाई करोगे, वन इंटू टू टू, वन इंटू थ्री थ्री, वन इंटू फाइव फाइव, तो ये प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं इसके कारण ना यूनिट वेक्टर को जनरली डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कि अगर मान लो आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और चलो एक बात देखते हैं पहले, यूनिट वेक्टर कुछ स्पेशल बातें, इसकी नोटेशन, इसकी नोटेशन, इसकी जो नोटेशन होती है, अगर हम बोलते हैं एक वेक्टर ए और इसी वेक्टर ए को अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम इसके एक स्पेशल कैप, इसके ऊपर क्या देते हैं, कैप या कैरेट भी बोल सकते हैं उसका, क्या बोल सकते हैं, कैरेट। यानी कि अगर आप ए लिख दिया उसके ऊपर एक ऐसा कैप टाइप, ओके, तो इसको हम यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका है यूनिट वेक्टर का। कोई दिक्कत वाली बात, देखो आराम से समझो, आराम से समझो कि ये वेक्टर ए था, अगर इसको यूनिट वेक्टर वे रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से लिखते हैं। तो और कल होके बोले गए यूनिट वेक्टर बी है, तो आप राइट डाउन कैसे करोगे, बी क्या, ठीक है। और थोड़ी सी एक बात और कि आप अगर ए बी लिखते हो, और जनरली आप देखोगे ना वेक्टर को हम स्मॉल, देखो ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, आप लिख सकते हो बड़े में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो छोटे लोअर केस में, लोअर केस में आप देखो ए बी, ठीक है, ए कैप बी कैप, बुक्स में भी आप देखोगे ज्यादातर आपको वेक्टर लोअर केस में ही मिलेंगे, ठीक है ना, आपके जो वेक्टर के होंगे वो, तो ए कैप बी कैप, दीज आर द यूनिट्स वेक्टर, दीज आर द यूनिट्स वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का ये अलग से रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। चलो अब देखो, जब भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात आती है तो उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखो ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर ए है, और इनको रिप्रेजेंटेशन में बोला जाएगा फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो हम इसको क्या कर देंगे मॉड, और वो देखेंगे मॉड निकाल के मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर अभी मैग्नीट्यूड को बोला, अगर कोई बोलेगा ये क्या है तो वेक्टर ए है, और ये क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, समझे, ये क्या है तो वेक्टर ए है, और ये क्या है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो क्या डालेंगे हम, मॉड डालेंगे, क्या डालेंगे मॉड डालेंगे, ओके। चलिए तो एक चीज समझो, अब मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि यूनिट वेक्टर का एक बहुत ही कमाल चीज है कि वन है तो वन इंटू टू टू, वन इंटू थ्री थ्री, तो यानी कि अगर यूनिट वेक्टर को हम देख रहे हैं, अगर इसको हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते, मान लो कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड टू हो, ठीक है ना, और इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या वन है, बट एक कैच है कि अगर उसका मैग्नीट्यूड टू है और उस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं दे रखा और कह रहा है क्या कि एक वेक्टर है, जैसे समझो कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, एक वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है पांच, कितनी है पांच, और इसका जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर बी के अलोंग है, यूनिट वेक्टर बी के अलोंग है, ठीक है, जो कि इसके जो कि किधर है, राइट राइट हैंड, ठीक है, ये वेक्टर ए किधर होगा बताओ, इधर होगा, सिंपल से फाइव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका किधर होगा, इधर, और ये लेफ्ट रहता तो किधर होता, उधर, क्योंकि देखो आप जब वन मल्टीप्लाई करोगे बोल रहा उसके अलोंग या मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो डायरेक्शन तो बताता है, इसलिए यूनिट वेक्टर को जनरली हम यूज किस में करते हैं, फॉर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर जनरली यूज होता है किसमें, डायरेक्शन को यूज करने में, और इसके बहुत ही फेमस तीन रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक है आई कैप, जे कैप और के कैप। ये क्या है सर, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो ये देखो ये जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए होता है एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस, ये जनरली रिप्रेजेंट करने का होता है किसको, बोलो वाई एक्सिस को, और ये किसके लिए होता है बोलो, जेड एक्सिस को, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ओके ना, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने में एक यूनिट वेक्टर यूज होता है, और ये क्या होता है वाई एक्सिस को, और ये जेड एक्सिस को, ओके। अब आप सोचोगे सर पॉजिटिव, हाँ इसमें सच बात है, पॉजिटिव निगेटिव भी होता है, प्लस आई कैप और माइनस होगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पर भी वही प्लस जे कैप, स्मॉल लिखना भाई, जे कैप माइनस और प्लस जे कैप, वही पॉजिटिव और निगेटिव एक्सिस। तो ये तीन कोऑर्डिनेट के लिए बताया, किस कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम में आपको बताऊं फटाफट, तो देखो ये है आपका एक्सिस, पता नहीं चल रहा है, थोड़ा आइडिया मैं देता हूँ, 3D व्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जाओ अब देखो, अब थोड़ा ना आपको फील होगा वो 3D टाइप प्लेन, देखो थोड़ा ना ये सरफेस है एक, ये है, तो इस पर आप बोल सकते हो आई कैप, ये ऊपर जाएगा कहाँ आपका जे कैप, और ये आपका क्या जाएगा के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन के रूप में, इसलिए यहाँ पर, और इसको हम देखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, जब कंपोनेंट तोड़ेंगे वेक्टर का तो हमारा ये काम आएगा, ओके। चलो आई होप आपको समझ में आ गया यूनिट वेक्टर, चलो हम नेक्स्ट वेक्टर पे चलते हैं, वह ओके इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है, बहुत सिंपल, और क्या है इक्वल वेक्टर, बच्चे उस वेक्टर को बोलेंगे जिस वेक्टर का क्या हो, मान लो दो वेक्टर, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, चलो छोटा ऐसे लिखते, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, एरो से भी लिख देते हैं, चलिए तो इक्वल वेक्टर उस वेक्टर को बोलेंगे जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जब दो वेक्टर का क्या हो, इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, देन उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या, क्योंकि लेंथ बताता मैग्नीट्यूड, इसलिए तो देखो दोनों एरो का लेंथ सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी देखो इधर के, यानी कि वेक्टर ए is equal to vector b, कोई दिक्कत वाली बात बोलो नहीं। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट वेक्टर, चलो इक्वल वेक्टर हो गया अपना, चलो यहीं पे कुछ फटाफट देख लेते हैं, और इसी एग्जांपल से ज्यादा हमको करना ना पड़े, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, ये भी आपके दो टाइप है, मैं दो एक ही में लपेट रहा हूं, लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर किसको बोलेंगे, जिस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, याद रखना
देखो इक्वल वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, लेकिन लाइक में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन बस सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए बोलो, सेम होना चाहिए। और जिसका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसको बोल सकते हो अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अपोजिट वेक्टर वेक्टर भी बोल सकते हो और अनलाइक वेक्टर भी बोल सकते हो। तो आपका लाइक और अनलाइक, यानी कि डायरेक्शन सेम तो लाइक और डायरेक्शन डिफरेंट तो अनलाइक। ओके चलिए हम अपने नेक्स्ट वेक्टर पे चलते हैं, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, देखो जब एक से मतलब दो वेक्टर हो, ठीक है ना, मतलब सेम प्लेन पे, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर किसी एक प्लेन पे, जैसे इस प्लेन पे कितने वेक्टर हैं, तीन वेक्टर हैं, कितने वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर, ठीक है। अब मान लो मैं ये मार्कर पे ये, तो इसका प्लेन तो क्या है, इसका प्लेन तो ये वाला सरफेस जो कि यहाँ दिख नहीं रहा आपको, ये है। इस प्लेन पे तो तीन वेक्टर है, ये और ये फिर कोप्लेनर नहीं होंगे, ये और ये फिर कोप्लेनर नहीं होंगे। यानी कि कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन पे होने चाहिए, उनके प्लेन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये वेक्टर होंगे तो कोप्लेनर नहीं होगा, मान लो बोर्ड के अंदर कुछ होंगे वो भी नहीं होंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखो इनका प्लेन क्या होगा, ये होगा, देखो ये भी एक प्लेन होगा ना, तो यहाँ पर ये डाले, तो ये वेक्टर क्या एक प्लेन पे नहीं है, लेकिन ये वेक्टर एक प्लेन पे हाँ है। सो ये वेक्टर दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या कहलाएंगे, तीनों एक दूसरे में कोप्लेनर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या कहता है, सिंपल बात है कि अगर कोई वेक्टर किसी लाइन, मान लो कोई एक लाइन है, आप अज्यूम भी कर सकते हो उसको अलग तरीके से भी मैं बता दूंगा, और इसी लाइन सेम लाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई वेक्टर है, यानी कि इस लाइन के पैरेलल ये दोनों वेक्टर है, तो अगर इस लाइन के पैरेलल ये दोनों, तो मतलब सिंपल बात ये कह रहा है ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर किसी एक लाइन के ही पैरेलल हो, या मतलब उसके अलोंग हो, बोल सकते अलोंग हो, तो आप उन दोनों वेक्टर को, मतलब ये भी इसके है, ये तो आपको को लीनियर वेक्टर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, को लीनियर वेक्टर। और इनको जनरली हम पैरेलल वेक्टर के भी नाम से जानते हैं, यानी कि पैरेलल हो एक दूसरे, क्या पैरेलल हो। अब एक दूसरे के पैरेलल भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि एक मैंने रेफरेंस ले लिया यहाँ पर, और रेफरेंस से आपको क्या बोला कि इसके ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, ऑब्वियस बात है पैरेलल होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो ये बात है, ये आपका हो गया क्या, कोलिनियर वेक्टर। बोलो क्लियर। चलिए इक्वल वेक्टर हमने देख लिया, यहाँ पर दो दो बार हमने इक्वल वेक्टर लिख रखा है। चलिए पोजीशन वेक्टर, ये समझना थोड़ा, देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, समझिए। मान लीजिए ये ग्राफ है टी और एक्स, ओके चलो एक्स का ये ग्राफ है, मतलब एक्स वाई वाई, और ये एक रिफरेंस पॉइंट है ओ, क्या है ओ, और मैं किसी एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को डाल दूं इस पॉइंट पी पे, तो इस रेफरेंस यानी कि एक्सिस बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, यानी कि यहां से हम देखेंगे कि ये पॉइंट कितनी दूर पे है। तो अगर जो हम वेक्टर लेते हैं, यानी कि इसकी हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, इस वाले वेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ओपी से हम इस ऑब्जेक्ट ओ की, मान लो ऑब्जेक्ट ओ की क्या फाइंड कर रहे हैं, ओरिजिन से, यानी कि ओ पॉइंट से, ओ के रेफरेंस से क्या फाइंड कर रहे हैं, उसका पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। That's why it is about position vector. समझ में आ गया ना? तुम किसी point से किसी arbitrary point, मतलब यहाँ पर अगर आप point इसका object यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, तो फिर एक ये position vector होगा, फिर एक ये position vector होगा, मान लो Q R O Q O R object का, ठीक है? तो इस तरह से position vector को हम define करते हैं, okay? चलिए, जो कि काम आएगा आपके आगे जब जाओगे, position vector. अब आता है co-initial vector. क्या आता है? Co-initial. देखो को का मतलब फिर वही, ठीक है, को का मतलब वही फिर से, यानी कि वैसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। यानी कि क्या, अगर ये पॉइंट है तो एक वेक्टर यहाँ से भी निकला हो, लाइक वो अर्जुन की तीर की तरह, कि एक तीर मारा हो बहुत सारे तीर बन गए, ओके। सो एक ही ओरिजिन हो, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो ये सारे क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर। क्या होंगे, को इनिशियल, यानी कि जिनका को इनिशियल, यानी कि जिनके इनिशियल्स क्या हो, सेम हो, जिनके ओरिजिन क्या हो, सेम हो। बहुत इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी लेकिन जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है, अब समझो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या। अगर मान लो फिर भाई हम ग्राफ बनाते हैं, कि पहले दो पोजीशन वेक्टर डालते हैं, ठीक है, दो पोजीशन,
कि एक ऑब्जेक्ट था जो किसी टाइम पे इस पॉइंट पे था, ठीक है ना, ये रेफरेंस हमारा, ये क्या रेफरेंस हमारा, तो पॉइंट किसी भी टाइम पे या टी इक्वल टू या जितना, चलो मान लो यहाँ पर है, ठीक है, या टाइम है, तो टाइम फाइव पे, टाइम टेन पे, टाइम टेन पे वो यहाँ पर था, ठीक है, फिर कुछ समय के बाद वो यहाँ आ गया ना, उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो हम यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं, ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, क्यों, क्योंकि ये मैम ओरिजिन के डिफरेंस में, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर हम किसी चीज के डिफरेंस में निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा दो पोजीशन वेक्टर हो गया, जिसको हम चलो वेक्टर ए नाम दे देते हैं और इसका वेक्टर बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ मूव किया, जो यहाँ से यहाँ, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट बताएगा जो वेक्टर, ये वाला, ठीक है ना, ये जो वेक्टर होगा ये इसके डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इसको हम नाम देते हैं किसी किसी ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट को क्या करें, आइडेंटिफाई करें। इसको निकाल सकते हो आप जब आगे फिजिक्स वेक्टर के लॉज पढ़ोगे, तो आप आराम से निकाल सकते हो वेक्टर एडिशन के हेल्प से कि डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी और पोजीशन वेक्टर के हेल्प से, जो आगे धीरे धीरे, अब सारी स्टोरी आज ही बता दूंगा तो फिर नेक्स्ट क्लासेस की क्या बचेंगे, ठीक है ना। सो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। आप क्या आते हैं, आप निगेटिव वेक्टर, क्या आते हैं आपके निगेटिव वेक्टर, तो फिर वही बात है, सिंपल से निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके, वही कि अगर कोई वेक्टर है, अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है, अगर इसमें हम क्या लगा दे, माइनस लगा दे, तो ये क्या होती है, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, और इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, फाइव है, और डायरेक्शन राइट वार्ड है, तो अगर माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी मैग्नीट्यूड तो फाइव ही रहेगी, उसकी मैग्नीट्यूड फाइव ही रहेगी। देखो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, एक वैल्यू है। और कभी सुने हो कि डिस्टेंस निगेटिव में चला जाए, माइनस माइनस दस माइनस बीस, नहीं ना, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू, इसलिए मॉड लगाते हैं हम, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए अपने को, ठीक है ना। इसलिए जब भी देखो मैग्नीट्यूड की बात की, तो मैंने आपको बोला मॉड लगाना है आपको, ठीक है। तो अगर माइनस लगाते हो तो इसकी डायरेक्शन तो उल्टी हो जाती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होती है, फाइव ही होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे वैक्टर को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव वैक्टर, क्या बोलेंगे, निगेटिव वैक्टर, ठीक है। चलो अब अपना क्या रखिए, एक्सियल वैक्टर, तो वैसे वेक्टर जो एक्सेस में लगे, जैसे एक्सेल में, जैसे मान लो कोई चीज रोटेट कर रहा है, एक डिस्क, ठीक है ना, एक डिस्क, ठीक है, इसका हो गया क्या एक्सेल वेक्टर, ठीक है ना, उसके एक्सेस पे लगे, क्या लगे, रोटेशनल और रोटेशनल थिंग्स के एक्सेस पे लगे, ठीक है ना, एक्सेल वेक्टर। तो बच्चों इस तरह आज हमने देखा बहुत सारे वेक्टर के टाइप्स, आज वो बहुत ही इजी छोटे छोटे और आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। सो हमने जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, लाइक अनलाइक, कोप्लेनर कोलिनियर, इक्वल पोजिशन वेक्टर कर लिया, पोजिशनल डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव और एक्सियल वेक्टर, ये सारे वेक्टर आज हमने किए। और ये आज वेक्टर का इंट्रोडक्शन था, फिर हमने देखा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ओके, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, कैसे हम यूनिट वेक्टर को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वेक्टर को एरो से करते हैं, वेक्टर के टेल को देखा, वेक्टर के हेड को देखा, ठीक है ना, वेक्टर किस एक फिजिकल क्वांटिटी का ऑन डायरेक्शन बेसिस पे एक डिवीजन है, ये सारी चीजें देखे, फिजिक्स समझा, फैक्ट समझा, हाइपोथेसिस समझा, लॉ समझा, थ्योरी समझी, ये सारी चीजें इस वीडियो में आज आपको हमने कवर कराई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है ना, और लाइक करें, और इसी तरह एकलव क्लास के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। टेक केयर, बाय बाय।